छिपकली सूट पे चल रही है उनके कुर्ती पे। और दौड़ती भागती जिंदगी में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देने के लिए वायरल नामा आपके लिए लाया है फनी मोमेंट्स का पार्ट 5, जिसमें अतरंगी लोगों के अतरंगी कारनामे देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो शुरू करें वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करके पास लगे बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मून के साउथ पोल में हमारे चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग हम सब ने देखी थी। इसकी लैंडिंग के बाद सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कुछ वीडियोस की बहार ही आ गई थी। ऐसा ही एक वीडियो पाकिस्तान से भी वायरल हुआ, जिसमें एक रिपोर्टर ने जब पाकिस्तानी लोगों से लैंडिंग के बारे में पूछा तो पाकिस्तानियों ने जो जवाब दिए उसे सुनकर आपकी हंसी छूट जाएगी। तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस। इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। इन फट्टू कुत्तों का ये वीडियो देखकर आप हंसी पड़ेंगे। जो गेट बंद होने पर तो एक दूसरे के सामने भौंकने लगते हैं, वहीं गेट खुलते ही ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये वीडियो देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी। सड़क पर यूं लहरा रहे भैया जी को देखकर लग रहा है कि ये आज भैंसों को इम्प्रेस करके ही मानेंगे, लेकिन इस भाई को क्या मालूम था कि उसकी इस हरकत पर भैंस इतना गुस्सा हो जाएगी। क्यों, आ गया स्वाद? इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। ये लोटपोट कर देने वाला वीडियो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें एक शख्स हेलमेट लगाए और रेनकोट पहने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी चला रहा है और अपने स्कूटर स्पीकर में पॉपुलर मीम जल्दी से वहां से हटो बजाता है, जिसे सुनकर साथ चल रहे लोग लोटपोट हो जाते हैं। एक बार और। आइए अब आपको अमेरिका के कैलिफोर्निया में ले चलते हैं, जहां हाईवे पर नोट ही नोट बिखरे मिले। दरअसल यहाँ के कार्ल्सबैड हाईवे से गुजर रहे एक ट्रक का बैक डोर अचानक खुल गया, जिसके बाद उसमें रखे डॉलर से भरे बैग खुल गए और सड़कों पर डॉलर ही डॉलर बिखर गए। फिर क्या था, लोगों ने गाड़ियाँ साइड लगाई और नोट इकट्ठा करके अपनी जेबें गर्म करने लगे। इनकी खुशी का आलम तो देखिए जरा। वैसे पैसों का लालच सबको होता है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। अब आप सोच रहे होंगे कि जानवरों को पैसों का लालच भला कैसे हो सकता है, तो इस डॉग का ये वीडियो देखने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 1500 लाइक्स तो जरूर मिलें। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इस बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। दोस्तों, में जब पेमेंट की बात आती है तो सब हैंड वॉश के बहाने पतली गली से निकलने का सोचते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही नजारा है। इस फूड आउटलेट पर ड्राइवर सीट पर बैठा लड़का जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मोबाइल निकालता है, वैसे ही दूसरी सीट पर बैठा उसका दोस्त जट से कार की छत से होते हुए काउंटर पर पहुंच जाता है और ये कहते हुए पेमेंट कर देता है कि ना, आज पैसा तेरा भाई देगा। वाह भाई, ऐसे दोस्त हमें काहे नहीं मिलते बे। इंडिया में आडंबरी लोगों की कमी नहीं है। मंदसौर का ये वीडियो इसी बात की तस्दीक करता है, जिसमें बारिश के लिए इंद्रदेव को रिझाने के लिए गधों को गुलाब जामुन खिलाए जा रहे हैं। भाई बारिश तो होगी कि नहीं जानते, लेकिन गधों की तो मौज हो गई। देखिए कितने चाव के साथ गुलाब जामुन के मजे लिए जा रहे हैं। वैसे आपने अब तक गधों को डेंचू डेंचू ही करते सुना होगा, लेकिन क्या किसी गधे को गाना गाते हुए सुना है?
नहीं सुना तो जरा हैरियट नाम की इस गधी से मिलिए जो सुरीली आवाज में गाना गाकर अपना दिल बहला सकती है। जब गधों के गाने की बात हुई ही है तो हमारे हाथ एक और वीडियो लगा है। इसमें एक गधा वायलिन बजा रही महिला के साथ जुगलबंदी कर रहा है। ये और बात है कि ये हैरियट जितना सुरीला नहीं है। ये वीडियो केदारनाथ का है जहां ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने ही वाला था कि एक लड़का उसके पास जाकर सेल्फी लेने लगता है। तभी पायलट की नजर उस पर पड़ती है और वो हेलीकॉप्टर को वहीं रोक देता है, जिसके बाद कुछ सुरक्षा कर्मी दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं और सेल्फी ले रहे लड़के की ऐसी धुनाई करते हैं कि सारी तशरीफ ही सुझा डालते हैं। यहाँ प्री वेडिंग शूट के दौरान ये दुल्हन पानी में कूदी तो इसलिए थी कि दूल्हा उसे कैच कर लेगा, लेकिन जैसा शूटिंग में सोचा था वैसा नहीं हुआ। बेचारा दूल्हा उसे कैच करने में नाकामयाब हो गया, जिसके बाद दुल्हन पानी और गाउन में कुछ इस तरह समा जाती है कि लाख कोशिशों के बावजूद नहीं निकल पाती। इसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने जैसे तैसे दुल्हन को ढूंढकर उसकी जान बचाई। बच्चों के झूले झूल रहे इन दद्दा जी का टशन देखकर अब दंग ही रह जाएंगे। लड़कियों को छिपकली से कितना डर लगता है ये बताने की जरूरत नहीं, और अगर ये बात स्कूटी सवार इस लड़की को बता दें कि उसकी पीठ पर छिपकली बैठी है तो क्या हो सकता है ये बताने की जरूरत नहीं। ये देखिए यहाँ पे एक लेडीज की पीठ पे छिपकली चल रही है और वो गाड़ी पे चल रही है, छिपकली सूट पे चल रही है उनके कुर्ती पे, और बाबा बाजू में लगाओ मैं बोल रहा हूँ, भड़बड़ा जाएगी यार। अरे भड़बड़ाएगी नहीं, अरे वैसे नहीं बोले कोई। दोस्तों ये वीडियोस बनाने में हमें कई दिनों की मेहनत लगती है, तब जाकर ये वीडियो तैयार हो पाता है। इसलिए इन वीडियोस को देखकर हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और अगर आप हमारे वीडियोस दिल से पसंद करते हैं तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने वाले चालान से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस को देखते ही भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस भी कहां कम है, वो पकड़कर ही दम लेती है। उसके बाद जो होता है वो आप खुद देख लीजिए। लेकिन यहां ये दर्जनों लोग पुलिस वालों से भी तेज निकले, जो पुलिस को देखते ही अपने टू व्हीलर्स के नीचे उतरकर उन्हें पैदल धकेल कर ले जाने लगे। बेचारे पुलिस वाले चाहकर भी उनका चालान नहीं काट पाए। अब बिना हेलमेट के बाइक चलाना अपराध है, पैदल चलना तो नहीं। एग्जाम हॉल में अच्छे अच्छों की हालत पतली हो जाती है, फिर बिना पढ़े और भगवान भरोसे परीक्षा देने पहुंचे स्टूडेंट का तो क्या ही कहना, जिसके बाद ये क्या क्या करते हैं ये आप वीडियो में देखकर समझ जाएंगे। वैसे क्या आपने भी कभी तुक्का विधि ट्राई की है, हमें कमेंट करके बताइए ना। ये भैया जी जिम में लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या सोचा था क्या हो गया, घुटने भी छिले, इज्जत गई सो अलग। यहाँ कुछ लोग गड्ढे में फंसी गाड़ी को धक्का देकर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी के ऊपर चढ़े इस बंदे के एफर्ट का क्या मतलब है। इस वीडियो में इतना ही। क्या आप फनी मोमेंट का अगला पार्ट भी देखना चाहेंगे? अगर हाँ तो अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।